चलिए बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज ज्वाइन मी सून, जल्दी से आ जाइए सब लोग। हाँ जी, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। हरदीप जी, अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। चलिए, ऑडियो वीडियो सब कुछ बराबर है? हेलो 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 हेलो, लाइव नहीं आएगा देख यूट्यूब पे? बच्चों आर वी लाइव ऑन यूट्यूब, एक बार चेक करके बताइए। यस बेटा, ऑडियो वीडियो बराबर है? ऑडियो बराबर आ रहा है आवाज? कल थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम था। अबे तो यूट्यूब पे लैग करता ही है बे। चलिए चलिए एक बार चेक कर लीजिए आवाज बराबर है। थोड़ी तेज है आवाज? चलिए बच्चों, सो एज वी हैव गैदर्ड टुडे, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। चलिए, यस दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। सारे ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से ज्वाइन कीजिए, और अगले एक घंटे में हमारा अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसका वेटेज एग्जाम के लिए 5 मार्क्स का है। चाहे नए सिलेबस की बात करूं या मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूं, दिस टॉपिक हैज अ वेटेज ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, चलिए सो हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज बच्चों कि ये टॉपिक फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, सबसे पहले ये टॉपिक, ये जो कानून है क्यों बनाया गया, 2010 का कानून है ये। ऑलरेडी इसके पहले हमारे देश में 1973 का लॉ चलता था, उस लॉ को हमने कैंसिल करके या उस लॉ को रिपील करके हमने 2010 में नया कानून बनाया। नाउ 2020 में इस लॉ में ढेर सारे क्या किए गए, तब्दीलियां की गई, चेंजेस किए गए। नाउ यस मुस्कान मैम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। विशाखा, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए दैट्स रियली नाइस, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। नाउ अब बच्चों सबसे पहली चीज कि भाई ये कानून को बनाया क्यों गया, तो सीधी बात है, दो चीजों को रोकने के लिए। नाम ही देखेंगे आप, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन से जो क्या आता है इंडिया में, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, चंदा अगर मैं कहूं तो। तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। अब फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन में यहां पे एक चीज और आ गई, हॉस्पिटैलिटी। क्या गई बच्चों? सो बेसिकली ये जो कानून है दो चीजों को रेगुलेट करता है। पहला रेगुलेट करता है किसको? पहला रेगुलेट करता है फॉरेन से आने वाले कॉन्ट्रीब्यूशन को, और दूसरा रेगुलेट करता है फॉरेन से मिलने वाली क्या बच्चों, हॉस्पिटैलिटी को। तो ये दोनों चीजों को, ये दोनों चीजों को, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को, ये लॉ क्या करता है, रेगुलेट करता है। नाउ यस जयती बेटा, गुड मॉर्निंग। सक्षम जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए नाउ अब बच्चों एक सीधी सी चीज है कि हमको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को रेगुलेट करने की जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड टू रेगुलेट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। सीधी बात है बच्चों, जैसे कि आपको एक बहुत पता है, इंडिया में बहुत सारी जो एनजीओज हैं, इंडिया में बहुत सारी क्या हैं, एनजीओज हैं, फॉरेन से क्या लेती हैं, चंदा लेती हैं, चंदा बोलते हो कॉन्ट्रीब्यूशन लेती हैं। लेकिन कई बार फॉरेन से मिलने वाला जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सही उद्देश्य के लिए, किसके लिए बच्चों, सही उद्देश्य के लिए यूज नहीं होता। जैसे कि आपको पता है कि वेटिकन सिटी इंडिया में बहुत पॉपुलर है, वेटिकन सिटी से बहुत सारा पैसा इंडिया की मिशनरीज को और चैरिटीज को, ये जो क्रिश्चियन संस्थाएं हैं वहां पे आता है। लेकिन हमको पता है ये पैसा, बहुत सारा पैसा भारत में किस लिए यूज होता है, भारत में किस लिए यूज होता है, धर्म परिवर्तन के लिए, जबरदस्ती लालच देके क्या करवाने के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए। सो बच्चों अगेन आई वुड लाइक टू से, मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारी, जैसे कि आपको ये भी पता है, कश्मीर में बहुत सारे एनजीओज रजिस्टर्ड थे जो क्या करते थे, दुबई,
अरब कंट्रीज से इनको फंडिंग होती थी, सेम एनजीओ थे, इनको फंडिंग होती थी और इन फंडिंग का यूज किसकी किसके लिए होता था, कश्मीर में वो बच्चों को पैसे देते थे और स्टोन पेल्टिंग होती थी, आर्मी वालों के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। सो ये सारी चीजें इंडिया में बहुत ज्यादा होती थी। फिर बात करो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की, हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, इंडिया में जो उच्च पदों पर लोग आसीन है, इंडिया में जो बड़े बड़े पदों पर लोग क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं, उन लोगों को क्या किया जाता है बच्चों, उन लोगों को हॉस्पिटैलिटी दी जाती है। हॉस्पिटैलिटी के अंदर क्या आता है, लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रैवलिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें फॉरेन सोर्स क्या करता है बच्चों, फ्री में प्रोवाइड करता है। क्यों? ताकि जिसको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है वो फॉरेनर्स का ध्यान रख सके। कब? जब वो फॉरेनर्स इंडिया में क्या करते हैं बच्चों, डील करते हैं, इंडिया में किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन करते हैं। तो इस रीजन के चलते बच्चों भारत का नुकसान ना हो, भारत का क्या ना हो, नुकसान ना, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी से इंडिया का नुकसान ना हो, इंडिया का डेवलपमेंट ना रुके, कम्युनल हार्मनी बनी रहे, जो साथ जो बेसिकली पीस है इंडिया में क्या रहे, मेंटेन रहे, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हमने क्या किया बच्चों, व्हाट वी हैव डन इज हमने ये कानून बनाया, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। चलिए बच्चों नाउ आई विल स्टार्ट पीसीओ। अगेन मैंने जैसा कहा एग्जाम में वेटेज इसका 5 मार्क्स का है, नोट्स मेरे ख्याल से आप सब लोगों के पास है। चलिए बच्चों सो द पर्पस ऑफ द एक्ट इज टू व्हाट बेटा, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का पर्पस क्या है, सो व्हाट यू विल से कि इस एक्ट का पर्पस क्या है बच्चों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, यस टू रेगुलेट एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट बेटा, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, और कुछ केस में रेगुलेट करना किसको बच्चों, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को। इस एक्ट के अंदर हम क्या देखेंगे, विल सी सम ऑफ द डेफिनेशन अंडर द एक्ट। सबसे पहले डेफिनेशन किसकी बच्चों, द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। बच्चों जब भी आपको ये फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पढ़नी है, तीन चीजें याद रखना, डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर, याद रखिएगा बच्चों। क्या बोल रहा हूं, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब विदेश से आने वाला, डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर, किस चीज का, मनी, आर्टिकल या फिर फॉरेन सिक्योरिटी, इज दैट क्लियर। तो मनी और ये कौन दे रहा है आपको, कहां से मिल रहा है आपको, इंडियन सोर्स से मिल रहा है, फॉरेन सोर्स से मिल रहा है, फॉरेन सोर्स से, हाँ। लेकिन अगर आपको पर्सनल यूज के लिए किसी ने कोई गिफ्ट भेजा है जिसकी कीमत 25,000 रुपए ज्यादा की नहीं है, उसको हम क्या नहीं करेंगे, उसको हम फॉरेन सोर्स के, या उसको हम क्या नहीं मानेंगे बच्चों, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे। उसके बाद हाँ, लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में अगर आपको ये सारे पैसे मिलते हैं तो इनको हम क्या नहीं मानेंगे, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे। जैसे कि यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन को क्या मिलती है, एडुकेशन के फीस मिलती है। देन पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूं, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर लेता हूं, वहां से मुझे क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है ना यार, कॉन्ट्रीब्यूशन इज समथिंग दैट यू गेट फॉर फ्री, कॉन्ट्रीब्यूशन इज समथिंग दैट यू गेट फॉर फ्री। ये मुझे कैसे मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है या कुछ कंसिडरेशन देकर मिल रहा है, ओके। और उसके बाद क्या है बच्चों, मनी रिसीव्ड इन इंडिया एज एन एजेंट ऑफ व्हाट बेटा, फॉरेन सोर्स, आप फॉरेन से क्या ले रहे हैं, फॉरेन की कंपनी आपको पैसे दे रही है, लेकिन वो पैसे आप कैसे ले रहे हैं, खुद की कैपेसिटी में ले रहे हैं या फिर एज एन एजेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, यस कर लिया, हाँ जी, मनी रिसीव्ड इन इंडिया एज एन एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स, बहुत सिंपल है। गूगल का अगर मान लीजिए, गूगल यूएसए का इंडियन गवर्नमेंट के साथ क्या होने वाला है, कोई ट्रांजेक्शन होने वाला है, उसके लिए कुछ 5,000 करोड़ रुपए की जरूरत है पे करने की, तो मैं गूगल इंडिया का क्या हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, मैंने अपने अकाउंट में कितने रुपए रिसीव किए, 5,000 करोड़ रुपए रिसीव किए, किस लिए, क्योंकि गूगल का ट्रांजेक्शन किसके साथ होने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ या किसी के साथ होने वाला है, तो मैंने जो पैसे रिसीव किए फॉरेन सोर्स से पैसे रिसीव किए, बट कैसे रिसीव किए मैंने पैसे, एज एन एजेंट ऑफ व्हाट बेटा, एज एन एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स, उसको भी क्या नहीं माना जाएगा, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में माना नहीं जाएगा, इस ये आप बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बच्चों नाउ पीसीआर, बच्चों अगर आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करते, क्या करते हैं, वन और मोर पर्सन के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, इफ यू डोंट एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली बट यू एक्सेप्ट इट थ्रू होम बच्चों, थ्रू वन और मोर पर्सन, तो क्या वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है बच्चों, अगर आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली रिसीव करें या फिर किसी एजेंट के थ्रू या वन और मोर पर्सन के थ्रू एक्सेप्ट करें तो भी इट शेल बी डीम्ड एज व्हाट बेटा, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली, इज दैट क्लियर। उसके बाद फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपका बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, उस रखे हुए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपको क्या मिलता है, किसी प्रकार का इंटरेस्ट मिलता है, उसको भी हम क्या मानेंगे,
उसको भी हम फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मानेंगे. नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, स्वागत और सत्कार विदेशियों के द्वारा हाई लेवल के लोगों का. बच्चों तो बच्चों जो इंडिया में ऊंचे पदों पर जो लोग क्या है आसीन है, वो लोग जब फॉरेन घूमने जाते हैं, जब वो लोग कहां जाते हैं फॉरेन घूमने आते हैं, तो व्हाट उनको क्या मिलती है बच्चों, उनको बहुत सारी हॉस्पिटैलिटी मिलती है. क्यों? ताकि जो लोग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उनके हितों का ध्यान वो उच्च पद पे बैठा इंसान रख सके, जब वो फॉरेन सोर्स वाला इंडियन गवर्नमेंट के साथ क्या करे, किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन करे. तो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, एनी सर्विस या फिर हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है सत्कार. कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, प्रोवाइड बाय हूं बच्चों, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है कौन बच्चों, फॉरेन सोर्स प्रोवाइड कर रहा है. अब बच्चों ये जो सर्विस आपको फॉरेन सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसके अंदर क्या आएगा, आपको सबसे पहले क्या देगा, ये ट्रेवल का खर्चा देगा. बिल्कुल बिंदास, फॉरेन कंट्री घूमो, फॉरेन कंट्री किसी टेरिटरी जाओ, फ्री बोर्डिंग मतलब आपको बेसिकली आप शिप पे जाइए, प्लेन पे जाइए, जो भी आपका बोर्डिंग का कॉस्ट है वो भी क्या होगा, लॉजिंग रहना फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री और मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री. और याद रखना जो भी फॉरेन सोर्स आपको क्या प्रोवाइड करने वाला है, ये सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, दैट इज फ्री. अगर कंसेशन पे मिल रहा है तो उसको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी माना नहीं जाएगा. सो वॉट एवर सर्विस यू विल बी रिसीविंग, जो भी सर्विस आपको क्या होगी प्राप्त होगी, इट शुड बी फॉर वॉट बेटा, इट शुड बी रिसीव्ड एज फ्री ऑफ कॉस्ट. ये आपको ध्यान रखना है. नाउ एक चीज याद रखना, बहुत सारे बच्चों को बता दूं, बच्चों ये जो लॉ है, ये जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, इस लॉ के अंदर फॉरेन वर्ड लिखा हुआ है. कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, फॉरेन. सो जो भी हॉस्पिटैलिटी और जो भी यू नो कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से आएगा, फॉरेन से आएगा, तभी ये लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा. जैसे दुष्यंत जैन किसी गणेश जी के मंडल को 10,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, चंदा देता है, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. लेकिन हमारे गणेश जी के मंडल को, गणेश जी के ट्रस्ट को अगर चंदा वॉरेन बफेट दे रहा है, कौन दे रहा है चंदा, गणेश जी के ट्रस्ट को अगर चंदा वॉरेन बफेट दे रहा है, तो क्या ये लॉ एप्लीकेबल होगा? जी हाँ, ये लॉ एप्लीकेबल होगा. सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि विदेशों से आने वाला चंदा गलत जगहों पे इस्तेमाल ना हो, और सरकार के पास क्या होना चाहिए, पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए. नाउ फॉरेन सोर्स का मतलब क्या है बच्चों, ये सारे सोर्सेस, बच्चों फॉरेन सोर्सेस अगर आपको क्या आने वाली है, If you are going to get a donation from foreign source, this act will apply. तो foreign source का मतलब क्या है? Foreign की government या फिर foreign की government की agency. Then आपकी international agency. लेकिन international agency में United Nations Red Cross Society को हटा देना. क्यों? कि government of India ने notification देके इनको foreign source की definition से क्या कर दिया? हटा दिया. So United Nations वाले अगर India में कोई काम करते हैं तो यूनाइटेड नेशन वाले किसी ट्रस्ट को, किसी हॉस्पिटल को पैसे देते हैं तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा. फॉरेन कंपनी, उसके बाद कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो फॉरेन कंपनी में इनकॉर्पोरेट हुई है, मल्टीनेशनल कंपनी, कोई भी इंडियन कंपनी अगर उसमें 50% ज्यादा शेयर कैपिटल किसके पास है, फॉरेनर्स के पास, उसको भी अपन क्या मान सकते हैं बच्चों, फॉरेन मतलब गवर्नमेंट, सिटीजन्स, कॉर्पोरेशन, ट्रस्ट, सोसाइटी, इनके पास अगर किसी इंडियन कंपनी में 50% से क्या है, ज्यादा है, तो इनको भी अपन क्या मानेंगे, फॉरेन सोर्स. ट्रेड यूनियन, सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब, सिटीजन्स, ये सारे लोग क्या है बच्चों, फॉरेन सोर्सेज है. ठीक है, एनआरआई फॉरेन सोर्स नहीं है. एनआरआई क्या नहीं है? फॉरेन सोर्स नहीं है. तो आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह किससे कंट्रीब्यूशन लेती हैं, एनआरआई से चंदा लेती हैं. जब राम मंदिर बना था तो बहुत सारे एनआरआई ने क्या दिया था, डोनेशन दिया था, तो वो सारा डोनेशन किसके अंदर नहीं आएगा, फिकरा के अंदर वो सारा डोनेशन रेगुलेट नहीं होगा. लेजिस्लेचर क्यों पढ़ रहे अपन लेजिस्लेचर, क्योंकि लेजिस्लेचर के लिए ही एक कैंडिडेट क्या करता है, इलेक्शन लड़ता है. और हमको क्या करना है बच्चों, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन को क्या करना है, प्रोहिबिट करना है फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या करने से, एक्सेप्ट करने से. सो लेजिस्लेचर का मतलब पार्लियामेंट का हाउस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर हाउस स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर या फिर यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेचर एंड देन म्युनिसिपल पार्टी का म्युनिसिपैलिटी का लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर एनसीआर या कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो ये क्या है बच्चों, लेजिस्लेचर. पॉलिटिकल पार्टी क्या है बच्चों? कुछ नहीं बच्चों, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो किसके साथ रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, या फिर एक ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या करती है, इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स नॉमिनेट करती है, तो भी क्या है बच्चों, वो पॉलिटिकल पार्टी. कैंडिडेट फॉर इलेक्शन का मतलब
जिस इंसान को प्रॉपर तरीके से क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, नामांकित किया गया है, किसके द्वारा? पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, फॉर इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर। तो किसी लेजिस्लेचर का इलेक्शन है और उसके लिए अगर किसी इंसान को पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया है, नॉमिनेट किया है, तो व्हाट दैट पर्सन बिकम्स? कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। इज दैट क्लियर? पॉलिटिकल पार्टी का मतलब तो खैर मैंने आपको बता दिया। नाउ अब इस एक्ट के अंदर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। नाउ सेक्शन 3 क्या बोलते हैं, याद रखना, सेक्शन 3 इज प्रोहिबिशन, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट बेटा? फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो विदेशों से चंदा, विदेशों से क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चंदा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो फिकरा के द्वारा, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के द्वारा पूरी तरह से क्या है, प्रतिबंधित हैं। ये लोग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको डर है कि इन लोगों ने अगर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया तो कहीं ना कहीं देश के हित के साथ, हमारे भारत देश के हित के साथ क्या हो सकता है, समझौता हो सकता है। पहला, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन फॉर एनी लेजिस्लेचर, करेस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, प्रिंटर और पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर। ये सब क्यों बच्चों? कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, अरविंद केजरीवाल कैंडिडेट फॉर इलेक्शन है, पाकिस्तान से चंदा आया 500 करोड़ रुपए, चुनाव जीतेगा तो क्या करेगा, पाकिस्तान का भला करेगा। ये सुनो, ये न्यूज़पेपर के करेस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट वगैरह, इनको क्यों रेस्ट्रिक्ट किया है? सीधी बात है बच्चों, अगर इनको मान लो, इनको अगर मान लो अभी फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन से इनको 500 करोड़ रुपए का चंदा मिल जाता, तो न्यूज में क्या दिखाएंगे कि पैलेस्टाइन में बहुत सारी हालत खराब है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। इसराइल से चंदा आ जाए तो वो क्या दिखाएंगे कि इसराइल कितना सही कर रहा है, इसराइल बहुत अच्छा देश है, व्हाटएवर। आप समझ रहे हो, इन ये फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने ओपिनियन के साथ क्या कर सकते हैं बच्चों, ये लोगों के पास पावर है कि अपने ओपिनियन को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसके बाद जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉई या फिर गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉई, मेंबर ऑफ एनी, तो कैंडिडेट फॉर इलेक्शन अगर चुनाव जीत जाता है तो वो क्या बन जाता है, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन अगर चुनाव जीत जाता है तो वो क्या बन जाता है, लेजिस्लेचर का मेंबर बन जाता है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी या फिर पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस बेयरर्स। उसके बाद एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर एज मे बी स्पेसिफाइड, मतलब सारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर या जो गवर्नमेंट नोटिफाई करे, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करे। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन व्हाट बेटा, ऑडियो और विजुअल न्यूज, करंट अफेयर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ आईटी एक्ट। क्या है बच्चों, ये यूट्यूबर्स जो करंट अफेयर्स वगैरह के ऊपर यूट्यूब चैनल है, जो पॉलिटिकल कमेंट्रीज वगैरह करते हैं, ये सारे यूट्यूब चैनल्स। उसके बाद पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट शुरू में नहीं था, मैंने बताया 2020 में एक मेजर अमेंडमेंट आया था इस एक्ट में, तो पब्लिक सर्वेंट को हमने 2020 में यहां पर क्या किया, इंक्लूड किया। तो ये सारे लोग बच्चों, ये सारे लोग क्या नहीं एक्सेप्ट कर सकते, दीज पीपल कैन नॉट एक्सेप्ट व्हाट बेटा, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसमें सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 दो चीजों के बारे में बात करता है। पीसीएल सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 दो चीजों के बारे में बात करता है। पहला कि कोई भी रेसिडेंट इन इंडिया, कोई भी रेसिडेंट इन इंडिया, इन लोगों के बिहाफ पर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करके इन लोगों को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मतलब प्रोहिबिटेड पर्सन डायरेक्टली या फिर किसी और के थ्रू, किसी और रेसिडेंट के थ्रू क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरा, एनी पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया बट रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। सेकेंड चीज, पीसीआर पर्सन हु इज व्हाट बेटा, एक बंदा जो सिटीजन ऑफ इंडिया है बट रहता है इंडिया के बाहर, मतलब किसकी बात हो रही है, एनआरआई की, वो भी क्या नहीं कर सकता, वो भी किसी भी प्रोहिबिटेड इंसान के बिहाफ पे क्या नहीं कर सकता, कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करके इनको ट्रांसफर नहीं कर, पहली बात तो कर नहीं सकता, और अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो इनको क्या नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में बताया गया। नाउ सेक्शन 4 कहीं ना कहीं सेक्शन 3 का एक्सेप्शन है। कहने का मतलब क्या है, जिन लोगों को हमने सेक्शन 3 में क्या किया था, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से प्रोहिबिट किया था, वो सारे लोग चाहे तो सेक्शन 4 के अंदर जो पेमेंट्स लिखे हुए हैं वो सारे पेमेंट क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। पहला, सैलरी और वेज रिसीव। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहां का इंडियन कोर्ट का जज सैलरी बेसिस पे किसी फॉरेन की मैगजीन के लिए आर्टिकल लिख रहा है, तो क्या वो पैसे ले सकता है? यस। उसके बाद पेमेंट इन कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। नितिन गडकरी हु इज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, बट नितिन गडकरी की एक कंपनी है जो मिल्क पाउडर बनाती है, क्या वो इंडिया के बाहर अगर एक्सपोर्ट करती है तो उसका पैसा एक्सेप्ट कर सकती है? यस।
उसके बाद सेम कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव एज एन एजेंट ऑफ व्हाट बेटा? यस, फॉरेन सोर्स. यू रिसीव कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब यहां पे क्या है, आपको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, बट आपको कैसे मिल रहा है? गूगल कॉर्पोरेशन के बिहाफ पे मुझे 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं. लेकिन क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज गूगल कॉर्पोरेशन इज गोइंग टू एंटर इन टू सम कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसके बाद गिफ्ट एज ए मेंबर ऑफ एनी इंडियन डेलीगेशन, प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के बाहर जा रहे हैं, उनके साथ पूरा इंडियन डेलीगेशन जा रहा है, मैं उसके साथ जा रहा हूं, तो फॉरेन की कंट्री में जब हम जाते हैं तो हमें कुछ गिफ्ट मिलते हैं, मोदी जी को भी गिफ्ट मिलते हैं और डेलीगेशन को भी गिफ्ट मिलते हैं, हम ले सकते हैं क्या? यस. उसके बाद रिलेटिव से अगर आप क्या ले रहे हो बच्चों, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आप किस ले रहे हो? रिलेटिव से ले रहे हो. किसके अंदर बच्चों? गवर्नमेंट की परमिशन लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर फेमा 1999 के अंदर आप किससे पैसे ले रहे हो बच्चों? ओए, इनवर्ट रेमिटेंस. इनवर्ट रेमिटेंस जो आपके रिश्तेदार वगैरह जो फॉरेन में काम करते हैं वहां से पैसे कमा के वो इंडिया भेजते हैं, किसके अंदर कवर्ड है वो? फेमा 99 के अंदर. तो ये सारी चीजें आप एक्सेप्ट कर सकते हो. उसके बाद आप क्या कर सकते हो? स्कॉलरशिप्स या पेमेंट ऑफ लाइक नेचर. जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, ही गॉट सम, उसने लॉ में कुछ किया तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज उसको क्या मिली है? कुछ तो 6.5 लाख रुपए ही क्या मिली है? स्कॉलरशिप मिली है. तो स्कॉलरशिप वगैरह अगर आपको मिलती है तो वो भी क्या नहीं है, वो भी क्या है बच्चों? एग्जाम पेमेंट है. तो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हो गए या कोई भी ऊपर लिखे लोगों को अगर क्या मिल रही है, स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, क्या वो एक्सेप्ट कर सकते हैं? यस, दैट वुड नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 3. उसके बाद बच्चों इसके ऊपर लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये इंपॉर्टेंट मान लीजिए, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट बेटा? यस, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय होम बच्चों? बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. इसके ऊपर बच्चों इन लास्ट एग्जाम दे हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन. सबसे पहला बच्चों पीसीआर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर क्या होता है? यू ऑल नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एक्टिविटीज, जिसकी फिलॉसफी और जिसकी आइडियोलॉजी को देखकर सेंट्रल गवर्नमेंट उसे क्या कर देती है? डिक्लेयर कर देती है एज व्हाट बेटा? एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. ठीक है. सो बच्चों अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर को फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है नॉर्मली, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या लेकर? प्रायर अप्रूवल लेके. पहला पॉइंट. दूसरा बच्चों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर का मतलब क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर का मतलब यह है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे, क्या डिक्लेयर कर दे? एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. कैसे? ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालकर. नाउ अब बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट, अब व्हाट इज द प्रोसीजर? अब अगर आपसे कोई पूछे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर करने की व्हाट इज द प्रोसीजर, तो आपका जवाब क्या होगा? कुछ भी नहीं. सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में क्या निकालेगी? नोटिफिकेशन. लेकिन नोटिफिकेशन डायरेक्टली निकलता नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट पहले आपको क्या करेगी? नोटिफिकेशन निकालने के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक नोटिस भेजती है. आपकी आइडियोलॉजी, आपकी एक्टिविटी, आपकी फिलॉसफी को ध्यान में रख के सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक नोटिस भेजती है, और नोटिस भेज के आपसे पूछती है कि बताइए हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर क्यों ना करें. इज दैट क्लियर? उसके बाद नाउ व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ, जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर को सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या आ गया? नोटिस आ गया. मान लो एक स्टेट को नोटिस आया, इनको कितने के अंदर रिप्लाई करना है? इनको 30 डेज के अंदर रिप्लाई करना है. ठीक है कि भाई हम प्लीज आप हमको पॉलिटिकल नेचर की ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर मत करो, हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है. मतलब आप जनरली यही करोगे, क्योंकि एक बार आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर हो गए आपके ऊपर बहुत सारी क्या आ जाएंगी? रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे. उसके बाद तो आपको 30 दिन के अंदर जवाब देना है. अगर आप 30 दिन के अंदर जवाब नहीं दे पाए, आप लेट हो गए, क्या हो गए आप, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका डिलेड रिप्लाई भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एक्सेप्ट कर सकती है. उसके बाद आपका जो रिप्लाई आएगा, रिप्रेजेंटेशन आएगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को क्या करेगी? फॉरवर्ड करेगी. ठीक है. और उस प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के रिकमेंडेशंस के आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? डिसाइड करती है. क्या डिसाइड करती है? कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नेचर की ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है. इज दैट क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर पास करेगी वो कितने के अंदर पास करेगी? जिस दिन आपको पहली बार नोटिस भेजा था उसके कितने के अंदर? 120 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? ऑर्डर देगी. किस चीज का? कि आप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. अगर 120 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे पाई तो अगले 60 डेज के अंदर भी ऑर्डर पास कर सकती है. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई ऑर्डर नहीं दिया, इसका मतलब तुम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर नहीं हो. सो याद रखिएगा, एक्स प्लस 30
देन प्लस 90, प्लस 90 इज इक्वल टू, तो x प्लस 120 डेज के अंदर ऑर्डर आ जाएगा, नहीं आ पाया तो अगले 60 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे देगी। कोई ऑर्डर नहीं आया तो ये देखिए दिसंबर 23 का ये क्वेश्चन है बच्चों, आई बिलीव इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स बच्चों। यस नोटिस है ना, इट इज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, इट इज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस नो। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ वन बेटा फॉर एन हॉस्पिटैलिटी। सो जो मेरा अगला डिस्कशन है वो क्या है बच्चों, नेक्स्ट इज द डिस्कशन ऑन वन बेटा, यस रेस्ट्रिक्शन ऑन वन बेटा, यस बच्चों ध्यान से देखिए फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। अगेन मैंने आपको कहा है कि फॉरेन, अच्छा फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इज नॉट दैट सीरियस जितना क्या है, जितना क्या है बच्चों, जैसे कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, इसको कभी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं मिलती, क्यों, क्योंकि ही इज अ कैंडिडेट, ही इज जस्ट अ कैंडिडेट। हाँ लेकिन अगर वो क्या हो गया, जीत गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बन गया, तो इसको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मिलेगी। ये सुनो बच्चों, सो सबसे पहला नीचे लिखे हुए लोगों को फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं मिलेगी, दे आर रिस्ट्रिक्टेड। कौन कौन से लोग हैं, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, मेंबर ऑफ वॉट बेटा, ऑफिस बेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और पब्लिक सर्वेंट। तो यहां पे उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्सेप्ट कितनी कैटेगरी के लोग हैं, चार कैटेगरी के लोग हैं जिनको क्या हुआ है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और इसमें भी बच्चों एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, अच्छा अच्छा एक मिनट, ये रिस्ट्रिक्टेड है या प्रोहिबिटेड है, जैसे सेक्शन 3 के अंदर, अच्छा रिस्ट्रिक्टेड मतलब इनको भी अगर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी चाहिए तो इनको क्या लगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड नहीं है। क्या है ये, दीज गाइज आर, दीज पीपल आर जस्ट रिस्ट्रिक्टेड। ओके उसके बाद बच्चों नाउ, उसके बाद अगर मान लो इन चारों में से कोई एक फॉरेन घूमने जाता है, और फॉरेन में क्या आता है बच्चों, अर्जेंट मेडिकल नीड आती है बच्चों, ये बंदा फॉरेन गया और फॉरेन जाके क्या हो गया, बीमार पड़ गया, तो क्या ये फोकट में इलाज करवा सकता है अपना फॉरेन के हॉस्पिटल्स में, यस। लेकिन जिम्मेदारी क्या है बच्चों, यस बाद में इसको क्या करना है बच्चों, जिस दिन इसको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मिलती फोकट में इसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसके कितने महीने के अंदर, एक महीने के अंदर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है कि किस प्रकार से इसको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मिली थी। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, ये आई थिंक जून का क्वेश्चन है, जून 23 का क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन है जो आपके नोट्स में बिल्कुल लिखा होगा। उसके बाद सेक्शन 7 क्या बोलता है बच्चों, सीधी बात है, अगर आपने क्या किया है, अगर आप इस एक्ट के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है और आपने क्या एक्सेप्ट किया है, यस इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और आपने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव किया है, तो आपको क्या नहीं करना है बच्चों, आपको अपना फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन किसी भी ऐसे इंसान को ट्रांसफर नहीं करना है जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। और अगर करना है तो किसकी परमिशन लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो कुल मिला के मतलब आपने अगर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया है तो यहां पे इंटरप्रिटेशन ऐसा निकलता है कि आप किसी को भी ट्रांसफर मत कीजिए, चाहे कोई रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, आपने पैसा एक्सेप्ट किया तो आप खुद ही यूज कीजिए, किसी और को अगर आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, सेक्शन 8 क्या बोलता है बच्चों, व्हाट सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट इज, सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। किसके बारे में बात करता है ये, सबसे पहला तो बच्चों एक ही चीज याद रखिए कि रीजन बच्चों, आपने जो भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया है वो आपको कौन से पर्पज के लिए यूज करना है, उसी पर्पज के लिए यूज करना है जिस पर्पज के लिए आपने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया था। पॉइंट नंबर 1, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन से जो भी इनकम होती है, इनकम मतलब फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर आपने बैंक पे रखा तो बैंक आपको क्या मिलता है, देता है इंटरेस्ट। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन से जो भी इनकम अराइज होती है आपको क्या करना है, आप किसी भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में, शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद बच्चों एक चीज याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बच्चों जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मान लो आपको कितने रुपए आया, 100 रुपीज का आपने क्या रिसीव किया मान लीजिए, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया, तो इसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हैं बच्चों, यस मैक्सिमम 20 रुपए ही आप क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, और 20 से ज्यादा खर्च करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। नाउ व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जैसे मान लो मेरी एक एनजीओ है, तो मतलब 100 रुपए मेरे को आता है कॉन्ट्रीब्यूशन,
तो बच्चों मेरे पास एडमिट, मेरे पास, मैं एनजीओ चला रहा हूँ तो मेरे ऑफिस का खर्चा होता है, मेरी वेबसाइट मैनेजमेंट का खर्चा होता है, मेरे स्टाफ की क्या होती है, सैलरी होती है, ये सारे एक्सपेंसेस क्या हैं, वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ये सारे एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, ये सारे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने 100 रुपए का क्या एक्सेप्ट किया है, अगर आपने 100 रुपए का फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया तो मैक्सिमम 20 रुपए आप क्या कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस में डाल सकते हो। 80 रुपए आपको कहाँ पे खर्च करना है, जिस पर्पज के आपने ऑप्टेन किया था, जिस एक्टिविटी के आपने एक्सेप्ट किया था, आपको वहां पे खर्च करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेक्शन 9 क्या है बच्चों, ये बच्चों याद रखिए, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे बड़े क्या हैं, वेपन्स हैं। यार आदित्य वो रोशन को बोल क्या था ना, गर्म पानी लिया यार। बच्चों ध्यान से देखिए, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 क्या है बच्चों, दीज सेक्शंस आर व्हाट बेटा, ये सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़े वेपन के रूप में काम करते हैं। आपने सुना होगा कि जब से मोदी सरकार आई है पिछले 9 सालों में अराउंड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 20,000 से ज्यादा एनजीओस को इन्होंने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, किसी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, दुनिया भर के एक्शंस लिए गए हैं। तो सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो सेक्शन 9 और सेक्शन 10, सेक्शन 9 सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारी क्या देता है, पावर्स देता है। जैसे कि सेक्शन 9 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंसान को क्या कर सकती है, सेक्शन 9 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंसान को क्या कर सकती है बच्चों, सेक्शन 9 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंसान को क्या कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है कि तू फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहां पर एक बहुत बढ़िया थी ग्रीन पीस करके, क्या थी, एक एनजीओ थी, ग्रीन पीस करके क्या थी, एनजीओ थी, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, क्यों बैन कर दिया, क्यों बैन कर दिया, जहां पे भी गवर्नमेंट नया कुछ प्रोजेक्ट लाती थी, हाईवे बनाती थी, ये लोग जाके बैठ जाते थे क्या बोल के, कि ग्रीनरी खराब होगी, पेड़ कटेंगे। गवर्नमेंट ने इनका डायरेक्टली क्या कर दिया, रेश भाड़ में जाओ साले, तुम फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, पैसा कहां से आता था, सारा अमेरिका से पैसा आता है बच्चों, इंडिया को डेवलपमेंट, इंडिया का डेवलपमेंट रोकने के लिए, ठीक है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंसान को बोल सकती है, देख तेरे को फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेनी है तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले हमसे पूछना पड़ेगा, किसी भी प्राइवेट पर्सन को भी, अब किसी भी, वो चार तो पन्ने पड़े थे, उस चार के अलावा भी कोई फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको भी बोल सकती क्या, कि तेरे को क्या लेनी पड़ेगी, मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन तुमने एक्सेप्ट किया उसकी जानकारी दो, किसी भी इंसान को क्या कर सकते हैं, किसी भी इंसान ने अगर इस एक्ट का उल्लंघन करके क्या किया है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या कर सकती है, उसको उस फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को खुद के पास रखने से, उसको किसी और को ट्रांसफर करने से, यूज करने से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रोक सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है। उसके बाद तुम्हारे अकाउंट्स वगैरह इंस्पेक्ट करने के लिए गेजेटेड ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं, तुम्हारे अकाउंट्स का क्या करवा सकते हैं, ऑडिट करवा सकते हैं। और अगर तुमने कि कोई आर्टिकल तुमने अगर क्या किया बच्चों, कोई आर्टिकल या कोई थिंग इस चीज का क्या करके, इस एक्ट का उल्लंघन करके एक्सेप्ट किया है, तो क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तुम्हें क्या कर सकती है बच्चों, उस चीज को क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब्त भी कर सकती है। तो ये सारी पावर्स किसकी है बच्चों, ये सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, सेक्शन 9 के अंदर। सेक्शन 9 काफी सारी पावर देता है ना। सेक्शन 10 क्या बोलता है, देखो सेक्शन 9 के अंदर क्या था, तुमको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्टेंस रोक सकते हैं, तुमने अगर इस कानून का उल्लंघन करके फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया है तो तुमको ट्रांसफर करने से रोक सकते हैं, तुम उल्लंघन करके तुमने कोई आर्टिकल या पैसे लिए हैं उसको भी क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। सेक्शन 10 क्या बोलता है, सेक्शन 10 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंसान को क्या कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है फ्रॉम डीलिंग। डीलिंग मतलब मैं मेरी एनजीओ है, मेरी एनजीओ ने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया, डीलिंग, डीलिंग का मतलब मेरे बैंक अकाउंट में, एनजीओ के बैंक अकाउंट में क्या रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है, उस पैसे में डील करना, डील करना मतलब खर्च करना, डीलिंग, ट्रांसफरिंग और पजेसिंग। पजेसिंग मतलब मेरा बैंक, हाँ मेरे बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, मैं एनजीओ, बिल्कुल मैंने सही तरीके से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया है, बिल्कुल एक्ट का उल्लंघन किए बिना मैंने कॉन्ट्रीब्यूट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट फिर भी मुझे क्या करने से रोक सकती है, पजेस करने से रोक, मतलब मेरे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। यस बच्चों, एनी करेंसी आर्टिकल और सिक्योरिटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है किसी से बच्चों कि कहीं ना कहीं आपने लॉ का क्या किया है, कॉन्ट्रावेंशन किया है,
ठीक है। सो अगर आपने लॉ का कॉन्ट्रावेंशन करके क्या एक्सेप्ट किया है? यस, लॉ का। अच्छा, आपने लॉ का कॉन्ट्रावेंशन नहीं भी किया है, इफ यू हैव नॉट कॉन्ट्रावीन द लॉ, इफ यू हैव नॉट कॉन्ट्रावीन द लॉ, आपको लगता है कि आपने लॉ का कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया, बट स्टिल सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है क्या दैट यू हैव कॉन्ट्रावीन लॉ। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि सेक्शन 9 के अंदर जो पावर है बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज करने की, बैंक अकाउंट में पैसों को रखे हुए पैसों को जब्त करने की, बच्चों सेक्शन 10 के अंदर जो पावर है वो दैट इज मच वाइडर देन व्हाट इज द पावर गिवन इन सेक्शन 9। तो सेक्शन 10 के अंदर जो पावर है बेसिकली वो किसके किसके बारे में? तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए, फ्रीज कर दिया, पैसों को जब्त कर लिया, तुमको लगता है तुमने कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में तुमने क्या किया है? कॉन्ट्रावेंशन किया। नाउ सेक्शन 11 क्या बोलता है बच्चों? सेक्शन 11 दो चीजें बोलता है कि भाई अगर आप क्या हो, अगर आप एकदम डेफिनेट कल्चरल, इकोनॉमिक, एडुकेशनल, रिलीजियस या फिर सोशल प्रोग्राम चलाने वाली एनजीओ हो और आपको क्या एक्सेप्ट करना है, तो आपको क्या क्या करना है बच्चों? यू हैव टू ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन। तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करवाने के बाद, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करवा सकते हो। और दूसरा, जिन लोगों ने पुराने एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाया था उनको इस एक्ट के अंदर री रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हालांकि रजिस्ट्रेशन आपको कितने साल के लिए मिलता है? 5 साल के लिए मिलता है। तो आपका रजिस्ट्रेशन 5 साल के बाद अगर खत्म हो रहा है तो आपको इस एक्ट के अंदर क्या करवाना पड़ेगा? रिन्यू करवाना पड़ेगा। दूसरा, सेक्शन 11 में एक और चीज लिखी गई है, हम आगे पढ़ेंगे, कि जिन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो या तो आपको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है, आप दो तरीकों से एक्सेप्ट कर सकते हो। पहला, या तो आप इस एक्ट के अंदर क्या करवाइए, और अगर आपको बिना रजिस्टर कराए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, याद रखिएगा, क्या लेना पड़ेगा आपको? प्रायर परमिशन। सो यू शुड ईदर हैव व्हाट बेटा? यू शुड ईदर हैव अ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट और यू मस्ट बी हैविंग व्हाट बेटा? अ प्रायर परमिशन अंडर द एक्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन व्हाट? फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए लेट्स सी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उन्होंने काफी लंबा दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिस्क्राइब फॉर्म में प्रिस्क्राइब फीस के साथ क्या करना है, अप्लाई करना है। आई बिलीव इट इज FC1। ठीक है, और कितने के अंदर? FC3A। यस, विल सी द फॉर्म्स। तो बच्चों कौन से, कितने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा? नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कितने के अंदर रजिस्ट्रेशन दे देती है? 90 डेज के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री है जो इस एक्ट का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो इस एक्ट को क्या करती है, एडमिनिस्टर करती है। लेकिन इधर देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जब आपको रजिस्ट्रेशन दे या फिर प्रायर परमिशन दे तो ये सारे क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, चेक करेगी। पहला, आप बेनामी पर्सन नहीं होने चाहिए। बेनामी पर्सन मतलब नाम किसी और का है बट फायदा कोई और उठाएगा। मॉरल टर्पिट्यूड, धार्मिक परिवर्तन, सांप्रदायिक तनाव, फंड्स को डाइवर्ट करने का, आपको क्या नहीं होना चाहिए, गिल्टी नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी देखेगी कि आप व्यक्तिगत लाभ के लिए तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं, क्या आप हिंसक तरीकों का पालन करने वाले हैं अपने ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। देन आपको रजिस्ट्रेशन देके पब्लिक इंटरेस्ट और दूसरे देशों के साथ क्या नहीं होना चाहिए, रिलेशन खराब नहीं। जैसे इंडिया में आपको पता होगा इंडिया इज अ प्रो इसराइल कंट्री, इसराइल और पैलेस्टाइन आपको पता होगा, इंडिया इज अ प्रो इसराइल कंट्री, हम किसका समर्थन करते हैं, हमेशा इसराइल का समर्थन करते हैं। तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी एनजीओस बनाना चाहते हैं लोग, जो किसको समर्थन देने के लिए, जो पैलेस्टाइन के लोगों को पैसे देने के लिए बनी है, एंड विच माइट नॉट बी रॉन्ग बिकॉज पैलेस्टाइन के लोग मर रहे हैं एकदम, बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नहीं करती, पैलेस्टाइन से बनी हुई, पैलेस्टाइन से रिलेटेड एनजीओस को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नहीं करती, रजिस्टर नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसराइल को नाराज करना इज यूएस को नाराज करना, और इसराइल वो देश है जिसने करगिल युद्ध में सबने मुंह मोड़ लिया था बच्चों। इसराइल वाज द कंट्री जिसने वो ऊपर, क्योंकि वो लोग वहां पे थे ना बच्चों, वो हाई एल्टीट्यूड, वो लोग पहाड़ के ऊपर थे, अपन नीचे थे, कुछ तो ऐसा था। तो इसराइल वो देश है जिसने अपने उस समय अपने को शायद ड्रोन या कुछ तो दिया था जिससे अपने को पता चला कि उनकी स्थिति क्या है। तो इसराइल को हम कभी नाराज नहीं करते। तो पैलेस्टाइन से रिलेटेड कोई भी एनजीओ इंडिया में रजिस्टर नहीं हो सकती बिकॉज इट अफेक्ट्स व्हाट बेटा, फ्रेंडली रिलेशन बच्चों। ठीक है, उसके बाद ये भी देखेंगे कि अगर आपकी एनजीओ का कंपनी है, सोसाइटी है, तो उसके डायरेक्टर वगैरह के अगेंस्ट क्या ना हो बच्चों, कोई भी ऑफेंस का केस पेंडिंग ना हो। इज दैट क्लियर? उसके बाद फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर एनजीओ को हमने रजिस्ट्रेशन दे दिया तो वो क्या करेगी, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करेगी। उसके एक्सेप्ट करने से भारत की एकता अखंडता, भारत की सुरक्षा, पब्लिक इंटरेस्ट, इलेक्शन की प्रोसेस, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, धार्मिक, रिलीजियस, रेशियल, लिंग्विस्टिक, ये सारी हार्मनी को क्या ना हो बच्चों, नुकसान ना पहुंचे। इतने सारे फैक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद
उसके बाद द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन शैल नॉट इनसाइट एनी पर्सन टू ऑफेंस, मतलब आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करके क्या नहीं कर सकते, किसी को ऑफेंस करने के लिए उकसाए ना। उसके बाद किसी की लाइफ पर्सनल लिबर्टी को आप क्या ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए। जैसे स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी करके, इट वॉज एन एनजीओ, इट वॉज एन एनजीओ जो रजिस्टर्ड थी कांग्रेस के टाइम पे, रजिस्टर्ड अटल बिहारी वाजपेयी ने बैन कर दिया था, कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, एज एन एनजीओ रजिस्टर कर दिया। इसने क्या किया, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया, और फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के बाद जब मुंबई में वो लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुए उसमें सिमी का नाम आया था बच्चे। इसलिए मैं बोलता हूं कांग्रेस को वोट डालना कहीं ना कहीं देश के साथ खिलवाड़ करना है बच्चों, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता हम जिए मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों इनको। एनीवे ठीक है, सो वोटिंग का टाइम है बच्चों, आप सब लोग अपना वोट, पहली बात तो वोट डालें, और वोट डाल रहे हैं तो बिल्कुल सोच समझ के वोट डालें। हाँ जी, एनीवे उसके बाद चलो इधर देखो, बैंक का रजिस्ट्रेशन के पहले आपको जरूरी है क्या करना है बच्चों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की संसद रोड ब्रांच के साथ क्या करना है आपको, अकाउंट खोलना मैंडेटरी है। 2020 के अमेंडमेंट के बाद आया था बच्चों, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के पहले एसबीआई संसद रोड मार्ग जो ब्रांच है वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन खोलना है। और ये जो आप अकाउंट खोलोगे इस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, फिक्रा अकाउंट। और याद रखना जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपके आएगा बच्चे वो सारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहां पे आएगा, इसी अकाउंट में आएगा। इज दैट क्लियर? फिर कौन से फॉर्म में अप्लाई करोगे, 3A, यस। और बच्चों आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, पहले आपको क्या करना है, गवर्नमेंट के साथ अपने आपको रजिस्टर कराना है। कौन सी आईडी, दर्पण आईडी आपको क्या करनी है बच्चों, मतलब नीति आयोग का पोर्टल है वहां पे जाके आप एक अपनी दर्पण आईडी बना लीजिए, बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होना चाहिए, और उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या करने हैं, एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं। पहला, एनजीओ के सारे मेंबर्स को एक एफिडेविट देनी है, क्या कि वो एफएटीएफ की गुड प्रैक्टिस गाइडलाइंस को कंप्लाई करेंगे। कहने का मतलब क्या है, ये कहीं पे भी ब्लैक मनी व्हाइट मनी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं है। ये तो बहुत अच्छा तरीका है ना, फॉरेन से डोनेशन आता है और इंडिया में ब्लैक पैसा डोनेशन के रूप में इंडिया आता है और वो व्हाइट हो जाता है, तो ऐसा। दूसरा, अगर आप सोसाइटी हो तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सारी चीज देनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्या है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो आपको फंड्स आएंगे उनको आप यूज कहां पे करोगे। और उसके बाद आपके जितने भी ऑफिस बेरर हैं, सेक्रेटरी वगैरह आपके जो हैं, उन सबको एक क्या देना है बच्चों, उन सबको एक एफिडेविट देनी है। कौन से फॉर्म में, डबल ए में, ये बोल के कि हम सारे रूल्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या करना है बच्चों आपको, आपको अपने अकाउंट्स का स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर्स का देना है। इज दैट क्लियर? और एक चीज याद रखना, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओ तो 3 साल की एग्जिस्टेंस नेसेसरी है, बिना उसके आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। कितने की फीस है बच्चों, 10,000 की फीस है। ऊपर लिखे हुए सारे फैक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कंसीडर करेगी, बेनामी तो नहीं हो, रिलीजियस हारमनी तो खराब नहीं करोगे, ये सारे फैक्टर। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है तो आपको रजिस्ट्रेशन दे देगी, जो कितने साल के लिए वैलिड रहेगा, 5 साल के लिए। तो ये पूरी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन ऑप्टेन करने की। अगली जो प्रोसेस है वो क्या है बच्चों, प्रायर परमिशन। सो इफ यू विश टू हैव व्हाट बेटा, इफ यू विश टू हैव प्रायर परमिशन, तो उसकी प्रोसेस क्या है बच्चों, सेम। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, हम रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं, यस बेटा सुनो, हम रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं, हम लोग गणेश जी का फेस्टिवल मना रहे हैं सल, और हमको फॉरेन से कंट्रीब्यूशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए हमको, एक ही साल मनाने वाले फेस्टिवल, और वॉरेन बफेट ने हमको कमिट किया है कि वो हमें $5 मिलियन, चार करोड़ रुपए के आसपास, नहीं 5 मिलियन डॉलर मतलब 40 करोड़ रुपए के आसपास क्या देने वाले हैं, डोनेशन देने वाले हैं। तो याद रखना, प्रायर परमिशन देने आप तभी जाओगे जब आपके फॉरेन के डोनर ने आपको कमिटमेंट दिया है। ऐसे नहीं कि कभी भी उठ के चले गए, प्रायर परमिशन दे दो। कौन दे रहा है, नहीं कोई नहीं दे रहा है, परमिशन दे दो उसके बाद दे देंगे, नहीं। आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, फॉरेन का जो डोनर है उसका कमिटमेंट होना चाहिए कि वो आपको डोनेशन दे रहा है, उसके बाद आप जाओगे क्या मांगने के लिए, यस। तो सबसे पहले तो आपको अपना अकाउंट खुलवाना है, कौन सा, सेम संसद रोड ब्रांच पे। दूसरा, फॉर्म नंबर कौन से में अप्लाई करोगे, 3B, दर्पण आईडी ऑप्टेन कर लो, कंप्लीट एप्लीकेशन दो, और उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट सेम ही है, कौन से, यस। प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं लगाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बदले क्या लगाना है आपको, कमिटमेंट लेटर लगाना है। अगर रजिस्ट्रेशन के अप्लाई कर रहे थे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाना है। यहां पे क्या लगाना है आपको, फीस कितनी लगेगी, 5,000, गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड है तो आपको क्या दे देगी, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगी। उसके बाद क्या है बच्चों, सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट। हाँ जी, इसका मतलब क्या है,
सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट कुछ नहीं बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि तुम इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट के द्वारा मांगी हुई इन्फॉर्मेशन टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा सर्टिफिकेट क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं मैक्सिमम कितने के लिए बच्चों। और एक चीज याद रखना, जब तक तुम्हारा सर्टिफिकेट सस्पेंडेड है तुम नया कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते और जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, किसकी परमिशन के बगैर, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर। इज दैट क्लियर। उसके बाद कैंसिलेशन, बेसिकली जब तुम्हारा सर्टिफिकेट कैंसिल करते हैं तो डायरेक्टली कैंसिल नहीं करते, पहले सस्पेंड करते हैं। अनिल थोड़ा सा हेड डाउन करके सो जा बेटा, दो मिनट के ऐसे ऐसे हो रही है, तो नींद आ रही है ना, यू कैन हेड डाउन फॉर 2-3 मिनट्स एंड देन रिफ्रेश होके एकदम जागो। आज रात को मैं सो रहा था, इतने मच्छर काट रहे थे, 1 बजे उठा मैं, लाइट वाइट जला दी मैंने, मेरी बीवी बच्चे डर गए क्या हो गया इस आदमी को। फिर मैंने सीधे उठाया बैडमिंटन, दोनों हाथों में 2 बैडमिंटन लेके आया, ऐसे मच्छर मारे ना धड़ 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 धड़, 4-5 बार तो अपने आप को ही मार दिया, चट 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 मैं हो गया। तो फिर उसके बाद सोया बैठा, तो आज मैं भी यू नो इवन आई एम लकिंग स्लीप टुडे। चलिए इधर देखिए बच्चों, नाउ हाँ जी बच्चों, तो मैं बोल रहा था कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नहीं करती, आपके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को डायरेक्टली कैंसिल नहीं करती, पहले क्या करती है, पहले सस्पेंड करती है। सस्पेंड करने के टाइम पे 180 दिन का टाइम है, वो इंक्वायरी करती है, ठीक है। और इंक्वायरी करने के टाइम पे अगर सेटिस्फाइड है कि तुमने गलत जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन ले लिया था, जिन शर्तों पर रजिस्ट्रेशन लिया था आपने उन शर्तों को क्या नहीं किया, उन शर्तों को आपने कंप्लाई नहीं किया, पब्लिक इंटरेस्ट, तुम सर्टिफिकेट लेके कुछ तो उल्टे सीधे काम कर रहे, तो पब्लिक इंटरेस्ट में जनहित में आपके सर्टिफिकेट को कैंसिल करना चाहिए, या फिर आपने इस एक्ट को क्या किया है, वायलेट किया है, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जाएगी और आपका सर्टिफिकेट क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। और आपको फिर से अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए तो कितने साल के बाद मिलेगा, 3 साल के बाद। अब आपके पास जो भी क्या है, जो भी एसेट्स हैं, डोंट वरी, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्रिएट किया है, एक अथॉरिटी, और ये सारे आपके जो भी एसेट्स हैं किसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, अथॉरिटी को क्या कर देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी। और आपकी जो भी एक्टिविटीज थी वो अथॉरिटी क्या कर सकती है, कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। सेक्शन 11 सेम क्या था, अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है तो क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, या ऑलरेडी अपन ने पढ़ा, या तो रजिस्ट्रेशन करो या फिर क्या करो, प्रायर परमिशन लो। उसके बाद बच्चों यस, अब बच्चों ये देखिए, जो मैंने बताया था 2020 में अमेंडमेंट आया था बच्चों, अब बच्चों ध्यान से देखिए, जब जो भी इंसान क्या मांगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन या फिर प्रायर परमिशन मांगता है, क्या करना है बच्चों, तो जब आप एप्लीकेशन दो या फिर अपने एप्लीकेशन को क्या करो, रिन्यू करो। भाई तुमको रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए मिलता है, मैक्सिमम 5 साल के बाद अपने को क्या करना होता है, रिन्यू। और रिन्यू कब करना होता है, लास्ट के 6 मंथ्स में, और रिन्यूअल 90 डेज के अंदर हो जाता है, कितने के अंदर हो जाता है। अच्छा, तो आपको क्या करना है बच्चों, जितने भी आपके क्या है बच्चों, ऑफिस बेयरर्स हैं, की फंक्शनरीज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं आपके यहाँ पे, उन सबका क्या प्रोवाइड करना है आपको बच्चों, आपको शैल, शैल मतलब कंपल्सरी क्या प्रोवाइड करना है, आधार प्रोवाइड करना है। जब आप क्या लेने जाओ, ओए सेंट्रल गवर्नमेंट से जब आप रजिस्ट्रेशन मांगने जाओ तो आपको सब सारे ऑफिसर्स क्या क्या प्रोवाइड करना है, आधार। उसके बाद बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, किसी इंसान को बच्चों, यस मैंने अपना एनजीओ स्टार्ट किया था बट अब मुझे अपना एनजीओ क्या करना है, बंद करना है, तो मुझे अपना सरेंडर करना है, क्या सरेंडर करना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। क्या करूंगा बच्चों मैं, ओए मैं अप्लाई करूंगा या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी। क्या इंक्वायरी करेगी, कि क्या मैंने इस एक्ट का प्रोविजन वायलेट किया है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि मैंने इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन को क्या नहीं किया है, वायलेट नहीं किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, मुझे अलाउ कर देगी कि हाँ भाई तुम सरेंडर कर लो। उसके बाद मेरे जो भी एसेट्स वगैरह है वो किसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अथॉरिटी क्रिएट करेगी, उसको क्या कर दिए जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब मेरे एसेट किसके पास पहुंच गए, आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल करती थी या फिर आपने खुद ने सरेंडर किया, आपके सारे एसेट्स किसके पास पहुंच जाते हैं बच्चों, अबे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या अथॉरिटी के पास, यस अथॉरिटी के पास पहुंच जाते हैं। नाउ हाउ, ये यहां पे स्टार लगा लीजिए, मुझे लगता है यहां से क्वेश्चन आना चाहिए। सो अथॉरिटी के पास पहुंच गए आपके सारे एसेट्स, दीदी सारे एसेट्स किसके पास पहुंच गए आपकी, अब अथॉरिटी क्या करेगी, नंबर वन अथॉरिटी क्या करेगी बच्चों, अथॉरिटी जो जो एक्टिविटीज आप करते थे, अथॉरिटी क्या कर सकती है, उन सारी एक्टिविटी को क्या कर सकती है, कंटिन्यू कर सकती है। इज दैट क्लियर।
उसके बाद अथॉरिटी क्या कर सकती है, आपके सारे एसेट्स को क्या कर सकती है, आपका फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन था उसको यूज भी कर सकती है या फिर उन सबको क्या कर सकती है, डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है। कब? अगर अथॉरिटी को लगता है कि आपके जो एसेट्स हैं वो इनसफिशियंट है, आपके पास जो फंड्स हैं वो क्या है, इनसफिशियंट है, इससे आपकी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखा नहीं जा सकता, तो अथॉरिटी क्या कर सकती है, आपके एसेट्स वगैरह को सेल वगैरह कर सकती है लेकिन डिस्पोज ऑफ कर सकती है, कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट तरीका बताएगा। उसके बाद आप इस एक्ट के अंदर क्या हो गए, रीरजिस्टर हो गए, याद है कैंसिल वाला 3 साल के बाद वापस से रीरजिस्टर हो सकता था, इस एक्ट के अंदर आप क्या हो गए। तो और अगर अथॉरिटी के पास आपके एसेट्स अभी भी हैं तो अथॉरिटी आपके एसेट्स क्या कर देगी, अरे अथॉरिटी आपके एसेट्स क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी। इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, ओके। खैर ये तो रिन्यूअल है, 30 दिन के अंदर रिन्यूअल हो जाता है। उसके बाद अगर आपका सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे क्या करेगी, रीजंस कम्युनिकेट करेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आया था बच्चे सेक्शन 15, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने पढ़ा है। तीन ही पॉइंट याद रखना, कैंसिल हुआ है, सरेंडर हुआ है, अथॉरिटी के पास जाएगा, अथॉरिटी कंटिन्यू कर सकती है तुम्हारी एक्टिविटीज अगर सफिशियंट फंड्स हैं, सफिशियंट फंड्स नहीं है, सफिशियंट एसेट्स नहीं है तो क्या करेगी, अथॉरिटी डिस्पोज ऑफ कर देगी। और जो जब भी तुम्हारा अगर मान लो रजिस्ट्रेशन होता है, री रजिस्ट्रेशन होता है, अथॉरिटी के पास तुम्हारे एसेट्स हैं तो अथॉरिटी तुमको क्या करेगी, कंपल्सरी रिटर्न कर देगी। इज दैट क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लोगे वो कहां पे एक्सेप्ट करना है, याद है आपको दादा, जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहे रजिस्ट्रेशन के बाद आए या प्रायर परमिशन के बाद आए, कहां पे आएगा? यस, आपका एक ही अकाउंट जो एसबीआई की संसद रोड ब्रांच पे खुला था, जिस अकाउंट को मैंने क्या कहा था, फिकरा अकाउंट, वहीं पे आएगा। खर्च करने के लिए तुम 50 अकाउंट खोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा कहां पे, एक ही अकाउंट में, जिसको हम फिकरा अकाउंट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांच है जिसके पास क्या आएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा, उसको क्या करना है, अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है। कौन सी अथॉरिटी? वही अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है इस एक्ट के अंदर। क्या रिपोर्ट करना है, कितना अमाउंट आया, किस एनजीओ को कितना अमाउंट आया, सोर्स क्या था, और अदर पर्टिकुलर, मतलब एसबीआई जिसमें अलग अलग एनजीओ का क्या आता है, एसबीआई जिसकी ब्रांच में अलग अलग एनजीओ के कॉन्ट्रीब्यूशन आते हैं, तो एसबीआई की भी जिम्मेदारी क्या है, अथॉरिटी को बताए कि किस एनजीओ को कितना मिला, किस सोर्स से मिला, और दूसरी जानकारी जो भी है। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन बनने के बाद मैं क्या नहीं ले सकता, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकता, पक्का ना? लेकिन मैं दिमाग वाला हूं, मुझे पता है कि बीजेपी इंदौर से मेरे को सीट टिकट देने वाली है, तो मैं क्या करता हूं, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन बनने के पहले ले लूंगा। तो यहां पे क्या लिखा है, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन बनने के लास्ट 180 डेज में आपको जो भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया उसकी जानकारी आपको किसको देनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है। एंड दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। नहीं नहीं, रुको, हाँ जी, थोड़ा सा बचा है, आप सीजर कॉन्फिस्केशन बचा हुआ है, इधर देखिए, हाँ इधर आ जाइए, कुछ नोट देख लीजिएगा। अगर किसी एंटिटी को क्या दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला, उसको क्या मेंटेन करने हैं, अपने अकाउंट्स। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मांगी गई इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं दी तो क्या हो सकता है बच्चों, ओए क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट किया जा सकता है, इंस्पेक्ट किया जा सकता है, यस। उसके बाद अगर बच्चों, अगर किसी इंसान को अपन ने क्या दिया था, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने की हमने क्या दी थी, किसी इंसान को परमिशन दी थी, वो क्या हो जाता है, इफ ही सीजेस टू एग्जिस्ट और बिकम्स डिफंक्ट, बिकम्स डिफंक्ट मतलब उसने फंक्शन करने क्या कर दिए, बंद कर दिए, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसके एसेट्स को क्या करेंगे, अपन डिस्पोज ऑफ करेंगे जिस लॉ के अंदर वो इनकॉर्पोरेट हुआ था। और अगर मान लीजिए किसी भी लॉ के अंदर वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ तो अपन किसको ट्रांसफर कर देंगे, अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी थी, अगर वो सीजेस टू एग्जिस्ट हो जाती है, डिफंक्ट हो जाती है, तो अपन क्या करेंगे, कंपनी से हिसाब से उसके एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे। लेकिन लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी थी, मतलब आप किसी भी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड नहीं थे, तो क्या होगा बच्चों, हम किसको ट्रांसफर कर देंगे, यस, अगर आप किसी भी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड नहीं थे और आपके पास कुछ एसेट्स थे, हम क्या करेंगे, अथॉरिटी को दे देंगे। उसके बाद अपने पढ़ा था यहां पर सेक्शन 9 और 10 के अंदर जो आर्टिकल आपने क्या किया था, इस एक्ट को वायलेट करके क्या किया था, ऑप्टेन किया था, उसको गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, सीज कर सकती थी, हाँ या ना? क्या सीज्ड आर्टिकल को कॉन्फिस्केट भी किया जा सकता है, कॉन्फिस्केट मतलब गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा किया जा सकता है, यस, कौन कर सकता है, लेकिन कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर कौन पास करेगा, गवर्नमेंट या कोर्ट, स्पेशल कोर्ट या कोर्ट पास करेंगे, ठीक है। और उसके बाद
सेम जिस भी इंसान को गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है या प्रायर परमिशन दिया है, उसको क्या मेंटेन करना है, अकाउंट्स, किस चीज के अकाउंट्स, कितना फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आया, कहां से आया, कहां पे आपने उसको खर्च किया। नाउ नेक्स्ट आ जाइएगा सीजर। सीजर क्या बोलता है बच्चों, सेक्शन 9 के अंदर तो पावर है, ओए सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन से सेक्शन के अंदर पावर है, सेक्शन 9 के अंदर। तो सेक्शन 24 बोलता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीज कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे अपन, इंस्पेक्शन करने के बाद आपका जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है उसके पास क्या है, रीजनेबल कॉज है, ये मानने का कारण है क्या कि आपने इस एक्ट को क्या किया है, कॉन्ट्रावीन करके आपने क्या किया है, कोई आर्टिकल ऑप्टेन किया है, तो आपके अकाउंट्स, आपके रिकॉर्ड्स और वो आर्टिकल, इन सबको हम सीज कर सकते हैं और कहां पे लेके जा सकते हैं, कोर्ट के सामने लेके जा सकते हैं। मामला कहां पहुंच गया, कोर्ट, और कोर्ट का मतलब कौन सा है, कोर्ट फॉर सेशन, और कौन सा कोर्ट बच्चों, एनी जज नॉट बिलो रैंक ऑफ व्हाट बेटा, असिस्टेंट सेशन जज, क्या कर सकता है, करेंसी या फिर सिक्योरिटी को क्या कर सकता है बच्चों, करेंसी या फिर सिक्योरिटी को क्या कर सकता है बच्चों, जो सीज हुई है इसको क्या करवा सकता है बच्चों, कॉन्फिस्केट करवा सकता है। गवर्नमेंट सिर्फ क्या कर सकती है, गवर्नमेंट सिर्फ सीज कर सकती है, सेक्शन 9 हो गया, सेक्शन 24 हो गया, इनके अंदर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सीज, लेकिन कॉन्फिस्केट करवाना है मतलब परमानेंटली उसको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करवानी, ये पावर किसके पास है बच्चों, दिस पावर इज विद द कोर्ट, इज दैट क्लियर। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आपके आपने ऑर्डर को क्या किया है, सेक्शन 9 के अंदर, सेक्शन 10 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देती है, आपको ऑर्डर देती है, अगर आपने उस ऑर्डर को क्या नहीं किया, फॉलो नहीं किया, क्या हो सकता है, कितने साल की सजा हो सकती है, 3 साल या फिर फाइन, और किस्मत में अगर लंगड़े कुत्ते ने हक दिया तो दोनों, फाइन भी लगे। कब, अगर सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर का तुमने पालन नहीं किया, जो ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 10 के अंदर दिया था। उसके बाद बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को वायलेट करके तुमने जितने रुपए का आर्टिकल, जितने रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया था, क्या उतने रुपए का फाइन भी लगाया जा सकता है तुम्हारे अगेंस्ट, यस। और उसके बाद बच्चों, और ये बोल रहा है कि जो आपकी इंप्रिजनमेंट की सजा है उसको कितने साल तक किया जा सकता है बच्चों, 5 साल तक किया जा सकता है, अगर आपने इस एक्ट के प्रोविजंस को या फिर इस एक्ट के अंदर बने हुए रूल्स को आपने क्या किया है, कॉन्ट्रावीन किया, मतलब इस एक्ट के अंदर जो कोई भी कॉन्ट्रावीन आपने किया है, 5 साल तक की आपको नॉर्मल क्या हो सकती है, जेल हो सकती है, मतलब इस एक्ट के जो कॉन्ट्रावेंशन है दे विल गिव अ राइज टू क्रिमिनल ऑफेंस, किसको बच्चों, क्रिमिनल ऑफेंस। अब बच्चों हर बार जेल जाने की जरूरत नहीं है, क्या कर सकते बच्चों, ऐसे ऑफेंस जहां पे सजा सिर्फ इंप्रिजनमेंट नहीं है, क्या नहीं है, सिर्फ मतलब ऐसे ऑफेंस जहां पे जेल जाना मैंडेटरी ना हो, क्या कर सकते हैं अपन, उनको अपन कंपाउंड कर सकते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से सेटलमेंट कर सकते हैं, कौन सा, कौन करेगा सेटलमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया, मतलब जहां पे सजा क्या है, फाइन और इंप्रिजनमेंट वाले ऑफेंस है, ये ऑफेंस क्या हो सकते हैं बच्चों, इनमें जरूरी नहीं कि आपको जेल जाना पड़े, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। कौन करेगा सेटलमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपॉइंट करेगी, ऑफिशियल गजट में क्या निकाल के, नोटिफिकेशन। बच्चों आपका आर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, सॉरी कोर्ट ऑफ सेशन ने क्या कर लिया, आपके आर्टिकल को कॉन्फिस्केट कर लिया, आप कॉन्फिस्केशन के ऑर्डर से क्या नहीं है, खुश नहीं है, आप कहां जा सकते हैं बच्चों, हाँ जी, देन द ऑर्डर कैन बी चैलेंज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, एक मिनट, इन हूज ज्यूरिसडिक्शन ऑर्डर वॉज पास्ट, अच्छा किसने, कोर्ट ऑफ सेशन ने किया था, असिस्टेंट सेशन जज ने किया था, असिस्टेंट सेशन जज मतलब कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर असिस्टेंट सेशन जज था, उसने ऑर्डर पास किया था, तो उसके कॉन्फिस्केशन ऑर्डर को आप चैलेंज कहां कर सकते हैं, नहीं नहीं सेशन जज के सामने, किसके सामने बच्चों, अरे जिस कोर्ट ऑफ सेशन ने क्या किया था, असिस्टेंट सेशन जज ने आपका कॉन्फिस्केशन किया था ना, तो आप उसके ऑर्डर को चैलेंज कहां पे कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, हाँ, और कोर्ट ऑफ सेशन, एक मिनट, अपील हैज टू बी मेड कितने महीने के अंदर, विद इन 1 मंथ, अच्छा ओके, हाई कोर्ट भी यहां पे, तो पहले एक मिनट, पास बाय द कोर्ट ऑफ सेशन मे बी चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट, एक मिनट, हाई कोर्ट कब जाओगे आप, जब डायरेक्टली ऑर्डर किसने पास किया था, कोर्ट ऑफ सेशन ने, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, कौन करता है, असिस्टेंट सेशन जज के पास पावर है, वो भी कर सकता है कॉन्फिस्केशन, तो इसके ऑर्डर को कहां पे चैलेंज करोगे, कोर्ट ऑफ सेशन में, हाँ, लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने क्या किया है, सेशन कोर्ट ने अगर कॉन्फिस्केशन किया, तो उसके ऑर्डर को कहां पे चैलेंज करोगे, हाई कोर्ट में, लेकिन राइट प्रोसीजर क्या है, क्योंकि नॉर्मली ऑर्डर कौन पास करता है, असिस्टेंट सेशन जज, तो इसके ऑर्डर को कहां पे चैलेंज करोगे, कोर्ट ऑफ सेशन में। कितने महीने के अंदर अपील करना है बच्चों, 1 महीने के अंदर आपको क्या करना है बच्चों, अपील करनी है, इज दैट क्लियर,
और जो भी अपील करोगे इसको हम क्या मानेंगे कि अपील आपने जो की है वो कैसे की है, अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिग्री की है, मतलब जो भी अपील करोगे दैट वुड बी फर्स्ट अपील. देन जिसको बच्चों परमिशन वगैरह मिली है एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर और जिस, या फिर जिसको क्या मिली है परमिशन मिली है, कोई भी बंदा किसे सेटिस्फाइड नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ ऑर्डर पास किया कौन सेक्शन के अंदर, सेक्शन 9, सेक्शन 10 वाले, सेक्शन 10 तो अपन ने पढ़ा था, सेक्शन 9 के अंदर ऑर्डर पास किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, कुछ भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या फिर आप सेक्शन 5 के अंदर के ऑर्डर के अंदर सेटिस्फाइड नहीं हो. व्हाट इज सेक्शन 5? अरे पॉलिटिकल नेचर की ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया तुमको, तुमको लगता है तुम नहीं हो तो क्या करोगे बच्चों, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको क्या देने से मना कर दिया है, प्रायर परमिशन देने से मना कर दिया है, कहां पे जाओगे बच्चों 60 डेज के अंदर, आप कहां पे अपील कर सकते हो, कहां है बच्चों हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को भी आप डायरेक्टली कहां पे चैलेंज कर सकते हो, हाई कोर्ट में. उसके बाद ये क्वेश्चंस आ चुके हैं बच्चों एग्जाम में, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. एंड दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड, मेरे हिसाब से इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से किया. एक बार चेक कर लेना किसी के मन में कोई भी डाउट है. प्रकाश डब्बा वाले पंकज डबास व्लॉग्स, हेलो पंकज बेटा कैसे हो. ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज मुझे बता देना कोई डाउट है तो, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए किसी के मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए. प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा. चलिए बच्चों, हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज जल्दी से मुझे बताइए किसी के मन में कोई भी डाउट कष्ट शंका समाधान परेशानी रह गई है तो प्लीज बताइए मुझे. यस बच्चों वैष्णवी जी दैट्स रियली नाइस. चलिए सैफ जी प्लीज जल्दी से मुझे बताइए किसी के मन में डाउट है तो. कल से अपन स्टार्ट करेंगे कौन सा, फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू बिगिन विद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के, तो 3 दिन है ना अपने लिए फेमा के पास. Yes, we have given 3 days, तो अपन आराम से डिटेल में पढ़ेंगे. जोरो जी भी हैं यहाँ पे. चलिए बच्चों, सो बच्चों आज के लिए बस करेंगे. प्लीज अपना ध्यान रखिए, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एवरी वन. मिलते हैं.